दोस्तों, नागिन शो दर्शकों के बीच कितना ज्यादा पसंद किया जाता है ये तो सभी जानते हैं। जहां 5 सफल सीजन्स के बाद एकता कपूर इसके 6ठे सीजन को पर्दे पर पेश कर चुकी हैं, जिसमें इस बार हमें अभिनेत्री तेजस्वी प्रकाश प्रथा के किरदार को निभाती हुई नजर आ रही हैं, जिनके इस किरदार के लिए इन्हें अभी से ही काफी ज्यादा तारीफें मिल रही हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जहां शो में प्रथा के किरदार को निभाते हुए तेजस्वी प्रकाश काफी चर्चाएं बटोर रही हैं, तो वहीं इसी किरदार को इनसे पहले टीवी इंडस्ट्री की 5 अभिनेत्रियां रिजेक्ट कर चुकी हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, तेजस्वी प्रकाश इस किरदार के लिए पहली पसंद नहीं है, बल्कि इनसे पहले 5 अभिनेत्रियों को शो का ऑफर दिया गया था, पर अफसोस उन 5ों ही अभिनेत्रियों ने इस किरदार को रिजेक्ट कर दिया। तो आखिरकार कौन सी हैं वो अभिनेत्रियां और क्यों उन्होंने तेजस्वी प्रकाश के लीड रोल प्रथा को रिजेक्ट किया, आइए जानते हैं। नंबर 1, ईशा मालवीय। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शुमार है अभिनेत्री ईशा मालवीय का, जो कि उदारियां शो में जैस्मिन के किरदार को निभाती हैं। और बात करें कि आखिर इन्होंने प्रथा के किरदार को निभाने से मना क्यों कर दिया, तो बता दें इसकी वजह और कुछ नहीं बल्कि फीस है। जी हां, दरअसल मेकर्स इस शो के लिए इन्हें जो फीस दे रहे थे ये उसमें बिल्कुल भी खुश नहीं थी, और इसी वजह से इन्होंने इसमें काम करने से ही मना कर दिया। नंबर 2, अंजुम फकी। कुंडली भाग्य शो में सृष्टि के किरदार को निभाकर दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली अंजुम फकी को भी इस शो में नागिन का किरदार ऑफर किया गया था, पर इन्होंने भी इस शो में काम करने से मना कर दिया, जिसकी वजह यही है कि इस शो में भले ही सपोर्टिंग किरदार निभाती हैं, पर इसके बावजूद इन्हें इस शो से खूब पॉपुलैरिटी मिली है, और इसी वजह से ये एक नए शो के चक्कर में टीवी के नंबर 1 शो से हाथ नहीं धोना चाहती थी। नंबर 3, अनेरी वजानी। जी हाँ, वर्तमान में अनुपमा शो में मालविका के किरदार को निभा रही अनेरी वजानी भी इस शो में काम करने से मना कर चुकी हैं, और बात करें इन्होंने इसे भला क्यों रिजेक्ट किया, तो बता दें इसकी वजह शो की स्टोरी और कॉन्सेप्ट है, जो कि इन्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगा। इन्हें लगा कि ये शो पक्का फ्लॉप हो जाएगा, और इसी वजह से उन्होंने अनुपमा जैसे शो को छोड़ना बेवकूफ़ी समझी और इसे करने से मना कर दिया। नंबर 4, ऐश्वर्या खरे। जी हाँ, वर्तमान में जी टीवी के शो भाग्य लक्ष्मी में दर्शकों का दिल जीतने वाली अभिनेत्री ऐश्वर्या खरे भी इस शो को रिजेक्ट कर चुकी हैं, जिसके रिजेक्शन की वजह और कुछ नहीं बल्कि ये है कि दर्शक इन्हें भाग्य लक्ष्मी शो में लक्ष्मी के किरदार में बेहद प्यार देते हैं, और अगर ये नागिन शो को करती हैं तो अपने इस शो को अपना टाइम नहीं दे पाएंगी, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं चाहती, और इसीलिए उन्होंने इस शो को ही रिजेक्ट करना सही समझा। नंबर 5, शिवांगी जोशी। इस लिस्ट में आखिरी नाम शुमार है शिवांगी जोशी का, और बात करें कि आखिर शिवांगी ने शो में काम करने से मना क्यों किया, तो बता दें दरअसल शिवांगी जोशी ने कुछ समय पहले ही बालिका वधू सीजन 2 ज्वाइन किया, और क्योंकि इन्होंने मेकर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, इसी वजह से ये इतनी जल्द इस शो को अलविदा नहीं कह सकती, जिसके चलते इन्होंने नागिन सीरियल में ही काम करने और प्रथा के किरदार को निभाने से मना कर दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, तेजस्वी प्रकाश के अलावा इस किरदार में इनमें से कौन सी अभिनेत्री सबसे बेस्ट होती, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।